कारवां सराय में क्याम करने वाले तमाम मुसाफरों को मेरा सलाम पहुंचे मैं जानता हूं कि आपका क्याम तबूल पकड़ गया है लेकिन उसकी वजह आप जानते ही हैं अभी यही खबर आ रही है कि तकला मकान के सहरा में अभी तक वो हवाएं जो हैं जो बहुत जहरीली हैं रेतली हैं जाहिर है और जानलेवा हैं वो अभी चल रही हैं और रास्ते अटे हुए हैं इसलिए जब तक रास्ते खुल नहीं जाते तो आपके साथ कोई दास्तानें शेयर करते हैं गुलकारी की एक शाम थी बल्कि रात थी बारह बजे के बाद का वक्त था इस्लामाबाद शहर बहुत वीरान उन दिनों और हमारी कार जा रही थी एक वीरान सड़क पर और मेरे ड्राइवर कौन थे अली साहब। अब हुआ ये किसी साहब ने मुझे मदा किया और मेरे पास कार नहीं थी मुझे किसी न किसी ने घर छोड़ने जाना था तो ग़ुलाम अली भी आए हुए थे उन दिनों मामा इस्लामाबाद में होते तो वो कहना कि कमाल तार साहब हम हों और आप किसी के और के साथ जाएं तो उन्होंने मुझे साथ बिठा लिया तो उनके घर का रास्ता तो पता नहीं किधर से जाता था जो मेरे घर का रास्ता था वो आमतौर तौर पर आध घंटे में तय हो जाता था।, था उस रोज़ दो घंटे में तय हुआ क्योंकि उन्होंने मुझे अपना कलाम सुनाया कलाम से मुराद है कि जितनी भी फेमस गज़लें हैं वो मेरी फरमाइश पर और बड़ा लुत्फ आया बल्कि मुझे ज़रा खद्चा रहता था क्योंकि वो जो स्टेयरिंग है ना उस पर वो जिस तरह तबला बजाते हैं ना तो चुप के चुप के इस तरह करके ना वो उससे ताल ले रहे थे उसके बाद जब भी गुलाम अली के साथ मुलाकात हुई मतदद प्रोग्राम मैंने उनके साथ किए तो हमेशा उस शाम का हवाला देते थे गुलाम अली जो है अब उनके बारे में मैंने क्या कहना है सब लोग जानते हैं गज़ल की गायकी में उन जैसा अंदाज बहुत कम लोगों के नसीब में आया और ओरिजिनली तबला बजाया करते थे संगत किया करते थे लेकिन वो उसका तस्करा पसंद नहीं करते थे तो एक रोज़ वैसे ही मैंने कहा कि मैंने कहा साहब ये तबला जो बजाना है ये कोई साज सीखना है ये बहुत रिस्पेक्टेबल काम होता है तो आप इजनाव क्यों करते हैं कहने लगे किरफ़ आम में जो लोग शाजिंदे होते हैं उनकी उस तरह इज्जत नहीं होती लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह हर सिंगर जो है हर गुलकार जो है वो सहारा लेता है कोई हारमोनीम का लेता है कोई सुरमंडल का लेता है तो मैंने तबला इतना बजाया हुआ है कि वो मेरे कानों में बजता रहता है इसलिए मैं सुर में रहता हूँ अली की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनाई जा सकती हैं उनकी हिट चीज़ें असद मानी की गज़लें चुपके चुपके रात दिन और कोठे पे नंगे पाँव आना याद है या वगैरह वगैरह लेकिन मुझे जो बहुत पसंद है वो सूफ़ी गुलाम ग़ुला तबसम ने जो ट्रांसलेट किया गालिब को इनटू पंजाबी मेरे शौक़ ने एतबार दिन वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा सूफ़ी साहब का तर्जमा जो था गालिब का उसके साथ ही मैं अर्ज़ कर दूँ कि एक साहब होते थे असीर आबद उन्होंने गालिब का पंजाबी में तर्जमा किया था पूरे दीवान का मुझे याद है कि काशमी साहब के हाँ आया करते थे बहुत ही सादा से बंदे ऊपर कैप पहनी हुई जैकेट पहनी हुई पलंदा और वो उनको कसूर से आते थे और उन दिनों तर्जमा कर रहे थे गालिब का और कासमी साहब उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे और कहा यह जाता है कि अगर आपको गालिब का कदम समझ ना आए तो असिरावद का तर्जमा देख लीजिए बल्कि पिछले दिनों एक अहल ज़ुबान शाह उन्होंने भी ये इकरार किया उनका जी गालिब का जो शेर है क्योंकि फ़ारसी ज़्यादा या ज़्यादा मुश्किल होता है तो मुझे समझ ना आए तो मैं असीर आवद के तर्जे की तरफ जाता हूँ तो ज़रा सा सूफ़ी साहब की बात हो जाए बड़े मतलब कि ऐसे बुज़ुर्ग बहुत कम मिलते मतलब फ़ारसी पर जो उनकी थी दस्तर तो नहीं कह सकते ये कह सकते हैं कि भाई जो बिल्कुल इमाम थे फ़ारसी के तो जब वो फ़ौज हुए तो फैज साहब ने कहा कि इस शहर में एक ही शख्स था जो तसी कर सकता था हमारी और जिसके साथ हम मशवरा कर सकते थे और आप ये देखिए कि सूफी साहब खाना फरहंगे ईरान के डी जी मुकर हुए यानी पहले नान ईरानियन शख्स जो हैं और जब ईरानियों से पूछा गया उन्होंने कहा कि इस शख़्स को हमसे ज़्यादा फारसी आती और ज़ात में वो मतलब इतने मुखलिस, इतने सादा मुझे याद है कि भाई एक दफ़ा किशोर नाहिद के घर को खाना था तो मेरा बेटा छोटा संजूक मेरे साथ था तो अब वो बोर हो रहा था तो मैंने सूफी साहब की तरफ इशारा किया और आप, आपके जहन में हो गई सूफ़ी साहब का सराफ़ा मतलब है कि ये झाजरदार बाल और ऊपर से यू नो तो मैंने कहा कि ये बंदा है टोट बटोट अब टोट बटोट इन दिनों दिन बहुत मकबूल थी तो कहने लगे अच्छा ये खुद टोट बटोट है मैंने कहा हाँ सूफी साहब कहने लगे इसे मेरे पास भेजो सूफी साहब ने उसे यहाँ बिठा लिया और उसको सारी शाम अपनी नजमें सुनाते रहे एक था लड़का टोट बटोट खाता था वो पीता था वो सोडा वाटर खाता था बादाम अखरोट वगैरह वो, वो मुझे भी अब तक याद उनकी सादगी का मैं एक और किस्सा बयान कर दूँ कि उनके भाई सगे भाई इंदूरों ने शहर तंदूर उनका था और कुलचे लगाते थे जुमे वाले दिन मसूफ वहाँ जाके तो कुलचे ख़ुद लगाते थे यानी उनको कोई आर नहीं था कुलचे लगाने में इसी तरह आखिरी वाक़ जो सूफी साहब से बहुत सारे वाक्य आते हैं आ, वो ये था अच्छा एक और वाक़ याद आ गया कि शहज़ाद अहमद मशहूर शायर बड़े क्लासिक शायर वो गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुए कश्मीरी बच्चे थे सफ़ेद लेकिन ऐनक बहुत मोटी पहनते थे फर्स्ट ईयर में थे तो सूफी साहब आ रहे दूसरी तरफ से तो सूफी साहब ने कहा कि ओए इधर आओ वो आए कौन से ईयर के हो उन्होंने कहा जी फर्स्ट ईयर तो उन्होंने कहा कि भाई है जी तू ऐनक लाई है ना ये तू बिजू लगना ना शहज़ाद ने वो को उतार दी कहने का सूफ़ी साहब अगर मैं ये को उतार दूँ तो मुझे आप बिजू लगते हैं अब और कोई प्रोफेसर होता तो वो माइंड कर जाता लेकिन ये सूफी साहब थे उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया ये फ़िक्रा कि उनको शहजाद को स्टाफ रूम में ले गए उनका ये फ़र्स्ट ईयर का लड़का है और इसको मैंने ये कहा है और उसने ये जवाब दिया तो उनकी आखिरी जो एक खूबसूरत याद है कि जब उनकी वालदा फौत हो गई एंड शी वज़ अबव 98 एट like और समथिंग लाइक दैट और सूफी साहब भी बहुत बुज़ुर्ग थे तो जो है समाबाद की डूबी ग्राउंड वहाँ उनका था कुल हो रहा था तो यूसुफ कामरान के साथ वो बहुत उनके तलक थे तो मैं और यूसुफ गए अफसोस करने अब यहाँ बैठे हुए हैं और साथ सूफी साहब बैठे हुए हैं और लोग आके उनसे मतलब है कि कर रहे हैं उनकी अफ़सोस कर रहे हैं वालदा साहिबा का तो किसी ने अफसोस किया तो यूसुफ़ कहने लगा कि जी अफसोस तो इस बात का है कि मरहूमा देखे ना कितने छोटे छोटे बच्चे अपने पीछे छोड़ के चली गई हैं ये सूफी साहब की तरफ इशारा था सूफ़ी साहब तैश में आ गए और उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा उसको बल्कि उठकर उसको पीछे भागे फिर वापस आए आके बैठ गए तो उन्होंने बड़ी ख़ूबसूरत बात मुझसे कहनी कहने लगे कि मुसल सर ये देखो यूसुफ़ जो है मेरा मजाक उड़ा रहा है यकीन जानो मैं रात को बारह एक बजे भी घर आता था ना यानी पचहत्तर अस्सी साल का बूढ़ा जो भी जितनी भी उम्र थी तो जाग रही होती थी और कहती थी मुस्तफा खाना खा कर आए पिछले दिनों मैंने गुलाम अली को किसी टेलीविज़न इंटरव्यू में देखा बहुत बूढ़े हो चुके हैं अब मसला ये है हम बूढ़ों का कि हम दूसरों को देख कर कहते हैं कि ये बूढ़े हो गए हैं हम अपनी शक्ल नहीं देखते जिस तरह एक दफ़ा तारक अजीज ने उशेर पढ़ा कि हमारे ऐहद के महबूब पहचाने नहीं जाते तो मैंने कहा तारक वो जो महबूब है ना उनसे तुम भी पहचाने नहीं जाते हम अपने आप को नहीं देखते तो बहरहाल उनका बेटा उनके साथ था और उनकी की शक्ल का था माशाल्लाह और वो गाता बिल्कुल गुलाम अली की तरह था मुझे नहीं मालूम कि उसने कंटिन्यू किया है या गाना या नहीं लेकिन बहुत सारे सिंगर्स की औलादें जो हैं वो उसी फील्ड में आई मसन अता ईसा खेलवी का बेटा शांवल ये मैंने फहरिस्त थोड़ी सी बना रखी है सरैया मुल्तानी कर की बेटी आई मेहदी हसन का आसफ़ मेहदी आया और आसिफ मैदी एक ऐसा शख्स था कि बहुत जल्दी चला गया आई फील कि अगर वो रहता तो शायद किसी न किसी दिन वो अपने वालद जो थे जो अज़ीम थे उनकी अज़मत के तकरीबन बराबर में आ जाता इन दिनों उनका एक बेटा यूनाइटेड स्टेट्स में है और वहाँ पे कॉन्सर्ट करता है मेरी बेटी ने उसका कॉन्सर्ट देखा और उसका ख्याल है कि वो भी बहुत अच्छा गाता है अच्छा इसी तरह नूरजाँ के लिए ज़िले हुमा ज़िले हुमा की आवाज़ तो वाजबी थी लेकिन क्योंकि बहुत खुश शक्ल थी बहुत खुश मिजाज थी इसलिए उनके साथ कॉन्सर्ट होते थे अमानत अली ख़ान का जाहिर है कि असर तो था ही और वो भी प्रोमिनेंट हुआ हामद अली ख़ान के रागा वो आए बच्चे वो भी अच्छा गा रहे हैं अच्छा परवेज़ मेहदी का एक बेटा है अली मेहदी आप कभी उसे सुनिए वो बहुत ही अच्छा गाता है बाहर रहता है कहीं अमेरिका वगैरह में लेकिन एक ख़ास अंदाज में जब आता है तो परवेज़ मैदी की झलक उसमें आती और इसी तरह बाहर की बात की जाए हिंदुस्तान की तो नेतन मुकेश मुकेश का बेटा और उसने एक गाना गाया था कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे लेकिन उसके बाद इनमें से कोई भी प्रोमिनेंट नहीं हुआ जो एक्सेप्शन मैंने अर्ज़ किए हैं क्योंकि ये जो बड़ा बरगद होता है उसके नीचे जो पौधे हैं वो अक्सर नहीं पनप सकते हुसैन बख्श गुल्लू जो हैं वो ऐसे फनकार हैं जिनको सिर्फ अहल नज़र ही सुनते हैं वो इतने बड़े फ़नकार हैं इतने सुरीले हैं और सुर संगीत पे जितनी उनकी दस्तरस है बहुत कम लोगों की और आवाज़ में एक ख़ास जादू है जब एक ख़ास तान लगाते हैं तो बजट तारी हो जाता है कहा यह जाता है मुझे तो इल्म नहीं है कि ये उसी खानदान से हैं जिस खानदान से ग़ुलाम अली हैं और क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऐसे ख़ानदानों में किसी एक शख्स को वारस मुकर किया जाता है और मोहम्मद अपना अली हो गए और ये ना हुए लेकिन इसके बावजूद मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता कि हुसैन बख्श गुल्लू की जो आवाज़ है वो बेशुमार बड़े गुलों से बेहतर तो उनके साथ भी प्रोग्राम करने का इतफाक़ हुआ और अक्सर जब आते थे तो उनके साथ गैर मुल्क ख़वात बहुत होती और वो उनसे गाना सीखने के लिए आती थी क्योंकि बहुत मरनजाम किस्म के आदमी थे और कुछ ज़्यादा डिमांड भी नहीं करते थे और वो ख़ात साथ आती थीं और वो झूमती रहती थी तो एक दफ़ा मैंने पूछा दो तीन प्रोग्राम उनके साथ किया मैंने कहा गुलू साहब ये कोई वेस्टर्न म्यूज़िक भी आप सुनते हैं क्योंकि मैंने ये सवाल जिस भी गुलकार से किया उसने एक अजीब सा सवाल अपना जवाब दिया कि तार साहब वो तो डम डम मसीकी है मौसीकी तो हमारी है मगर वालों को क्या पता कि मौसीकी क्या होती तो बहरहाल मैं उनकी खिदमत में यही अर्ज़ करता कि भाई वहाँ भी जिस तरह यहाँ भी रॉक मौसीदा है सीरीस मौसी अलहदा है क्लासिकल मौसी अलहदा है इसी तरह यूरोप में भी रॉक लदा है जैज अलहदा है और उसकी जो क्लासिकल है ट्रेडिशन वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अल्लाह तो मैंने यही सवाल गुल्लू से पूछा तो गुल्लू कहने लगे कि मैं सुनता तो नहीं हूँ लेकिन ये जो अमेरिकन ने एक लड़की मुझसे सीखने आई है इसने मुझे विटनी ह्यूस्टन का एक गाना सुनाया और वो गाना है आई विल ऑलवेज लव यू तो तार साहब वो गा सकते विटनी ह्यूस्टन की जो मौत है वो बहुत ट्रैजिक है मैं उसकी तस्वीर में नहीं जाना चाहता लेकिन यही गाना आई ऑलवेज लव यू आप देखें कि वो तान कहाँ तक ले जाती है हमारे बेषतर बहुत प्रोफेशनल ये भी वहाँ तक नहीं ले जाते बुनियादी वजह ये है कि बचपन में वो कॉयर में गाती थी चर्च में और वहाँ से उसने राइज किया फिल्म है एक बॉडी अगर आप उसको देखें उसमें वो हीरोइन भी है और उसमें ये गाना भी शामिल है और मतलब एक उसके अंदर जो एक ख़ास तलातम था आवाज़ में एक ख़ास नगमगी थी और वही कि जब वो तान खींचती थी तो आसमानों तक जाती थी उसने उसको प्रोमिनेंट किया और शायद इसीलिए जल्दी मर गई परवेज़ मेहदी बहुत मरतबा मेरी महफिलों में शरीक हुए एक सामे के तौर पर भी और उनको स्टेज पर भी हमने बुलाया और मैं उनके गाने का बहुत ज़्यादा मुद्दा था बहुत ही सुरीले थे ख़ास अंग में गाते थे और मेरा ख़्याल है कि आपने पिछले प्रोग्राम में देखा होगा कि रेशमा के साथ उनका जो गीत बहुत मकबूल हुआ गोरिये मैं जाना परदेश उसके अलावा भी उनके बहुत सारे हिट गाने थे अच्छा उनकी ख़ास बात यह थी कि वो मुस्कुराते बहुत थे तो मैंने एक दफ़ा कहा कि परवेज बाजी है और ग़ुलाम अली में भी ये खामी कुछ अर्सा तक थी कि जब आप एक ट्रेजिक गाना गा रहे होते हैं यानी जिंदगी और मौत का मसला होता है तो तब भी आप मुस्कुराते हैं तो वो लगा नहीं खाता जो कुछ आप सुना रहे होते हैं उसके बाद उन्होंने मुस्कुराना कदरे कम कर दिया अच्छा परवेज़ महदी के साथ एक दास्तान जुड़ी हुई है और वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा उन दिनों मैं अपनी बीजों की दुकान पर बैठा करता था पुरानी बात है तो एक साहब आए तहमत और ऊपर पगड़ी और टिपिकल एक दहकान शक्ल का शख्स आया और यूँ करके ना जैसे बिल्कुल शर्मा रहा हो डायरेक्टली नहीं देखता था मेरी तरफ उनको कोई इम्पोटेड सीड्स वगैरह चाहिए थी बातें बातें करते रहे तो मुझे मैंने आप उनसे कहा एक दो लफ्स उन्होंने अंग्रेज़ी के बोले तो मुझे शक हुआ कि बंदा पढ़ा लिखा है मालूम हुआ कि शायद गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने एम ए किया हुआ है और खेती बाड़ी करते हैं और बदोमली हैं अच्छा दो तीन मरतबा तशरीफ़ लाए एक रोज़ कहने लगे कि आपने कभी मुर्गा भी खाई तो मैंने कहा जी नहीं मैंने तो कभी मुर्गा भी नहीं खाई तीन रोज़ के बाद मुर्गियों की एक बाकायदा बोरी उनके यहाँ से आ गई वो तो पता नहीं मुरगवियों को शिकार करते थे यह क्या था अब मैं उनका क्या करता मैंने मोहल्ले में ही बांटी और ख़ुद भी एक आध पकाई मुरगी को पकाना वैसे बड़ा मुश्किल होता उसकी स्मेल बड़ी मुश्किल से दूर होती चुनाच के उनके साथ आना जाना आना जाना से मुराद वो आते थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते थे तो मैंने देखा कि मौसीकी के बारे में कभी कभार कोई फिक्र कह देते तो मैंने वैसे ही पूछा उनके कि अहमद अली साहब आप ये बताएं कि इस वक्त कौन सा बड़ा आ, क्लासिक्स तो उन्होंने दो तीन नाम लिए जो मेरे लिए फेमिलियर नहीं थे और ये फलाँ चक में रहता है बंदा ये फलाँ चक में रहता है फलां आपको किस तरह मालूम तो बड़ा मतलब है कि इनकसारी से बोले वो आते हैं मुझे सुनाते हैं तो इसलिए मालूम हुआ कि क्लासिकल मौसीकी में अहमद अली साहब इतने अहम हैं और इतना कुछ जानते हैं कि बड़े बड़े गवैये उनके पास आते हैं भदोमली में और उनको अपना फ़न पेश करते हैं और अगर वो शाबाश दें तो ये उनके लिए एक सर्टिफिकेट होता है अच्छा मैंने आज किया ना कि परवेज़ मेहदी के साथ ये दास्तान जुड़ी हुई है वो इस तरह कि एक रोज़ मैं टेलीविज़न स्टेशन गया वहाँ पर मैं बैठा हुआ था तो परवेज़ मेहदी दाखिल हुआ आया सलाम करके ना तो मेरे यहाँ पे फर्श के नीचे बैठ गया मैंने कहा क्या कर रहे हो तो हाथ जोड़ के कहने लगा कि आप हमारे पीरों के पीर हैं मैंने कहा जी कौन से पीरों के पीर हूँ क्या क्या कह रहे हो कहने लगा कि पीर अहमद अली को आप जानते हैं ना मैंने कहा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं कहने लगा जी वो हमारे पीर हैं और वो आपका तस्करा इस तरह ही करते हैं जिस तरह पीरों का करते हैं तो इसलिए मुझ पे अब फर्ज हो गया कि आपका अदब करूं पहले भी करता था लेकिन अब तो आप तो एक तो उसके साथ लेकिन अहमदरी जो करेक्टर थे फिर उन बाद में हमत की और बहुत नाम पाया अजहाबाद लाहौर शिफ्ट हो गए यहाँ पे अपना एक ठिकाना बनाया मुझे बुलाया वहाँ पे खाना वाना खिलाया देसी किस्म का ज़रा से झुक गए थे और पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं जो लोग उनसे मशवरा तलब कर रहे हैं और कहीं हॉलैंड गए और वहाँ से आधा हॉलैंड प्लांट्स का लेके आ गए प्लांट्स के भी बहुत मतलब मतदसिया थे और मैंने जिस प्लांट्स को देखकर ज़रा हसरत भरी नज़र से देखा उन्होंने फ़ौर उठवा दिया जो बात मुझे आज तक याद है अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए कि अपने मुलाजिम को कहा कि ले के आओ तो एक बड़ा सा तोता लेके आया कहने के ये अफ्रीकन ग्रे है तब तक मैं नहीं जानता था तो मैंने कहा हकीम साहब या पीर साहब मैं तो अपने बच्चे बड़ी मुश्किल से पाल रहा हूँ तोते के बच्चे कहाँ पालूंगा स्पेशली ये तो बाहर का खाना खाता है खादीन अजात मैंने बहुत अरसे के बाद दो साल पहले हकीम साहब की याद में बदोमल्ली के जो अहमद अली थे उनकी याद में मैंने वाकई एक अफ्रीकन ग्रे तोता हासिल किया और अभी वो मेरे घर में मौजूद है और मैं जब भी उनको देखता हूँ उसको तो मुझे हकीम अली की जो काबिलियत थी आ, मौसीकी में और बतौर इंसान बढ़ाई थी वो हमेशा याद आती पी टी वी ने एक ज़माने में आ, मौसीकी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का फ़ैसला किया जिसका नाम था घराना रंग यानी हर प्रोग्राम में किसी एक घराने को लेके उसके तमाम गवैये बुला के तफसली उनके साथ गुफ्तु और जो भी वो गाते थे उनके फ़न के रमूज या उनके घराने में जो खसूसियतें थीं वो वो ऑन रिकॉर्ड लाई जाएँ और एज आरकाइव उसको इस्तेमाल किया जाए चुनाचे उसके लिए अनफॉर्चुनेटली मेरा ही हुआ अब मैंने सोचा मैंने कहा कि दूसरे प्रोग्राम तो मैं करता आया हूँ मौसीकी के किसी भी इल्म के बगैर लेकिन घराना रंग आ, ये तो ज़रा मुश्किल काम हो गया तो मैंने रबता किया उस्ताद फतह अली खान साहब से बहुत ही कमाल के बंदे थे मैं आपको बता नहीं सकता कि उनमें इंकसार कितना था आज भी कितनी थी खूबसूरती कितनी थी और गवैये तो एट दैट टाइम वो सबसे बड़े गवैये थे आ, क्लासिकल के पाकिस्तान में एक और हैं उस्ताद उस्ताद फतेह अली खान वो हैदराबाद के हैं अक्सर इनके दरमियान कोई गड़बड़ हो जाती है नाम की तो ये अमानत अली खान वाले जो, जो जोड़ी थी तो मैंने उनसे कहा मेघा खान साहब हम तो फंस गए हैं ये घराना रंग प्रोग्राम हो रहा है और पहला प्रोग्राम ही आपके घराने का शाम चौरासी का तो आप कुछ मदद फरमाइए क्या तो तब उन्होंने मुझे वो कॉम्प्लीमेंट दिया था जो जाहिर है कि ए, ये उनकी मोहब्बत का सिलसिला था उसमें कोई इफेक्ट नहीं लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है कि कोई शख्स आपको खुश करने के लिए झूठ ही बोल रहे तो उन्होंने कहा था कि तार साहब आप ये प्रोग्राम कर लेंगे क्योंकि मैंने आपके साथ मतदल प्रोग्राम किए हैं और मैंने देखा है कि ऑडियंस में ओवरऑल जो सुन रहे होते हैं और जो समझ रहे होते हैं हम जो गायक है, होते हैं वो पिन पॉइंट कर लेते हैं कि ये 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 और उनमें आप भी शामिल होते हैं आपका सर बिल्कुल सही सुर के ऊपर हिलता है तो मैंने कहा जी ठीक है वो सर का हिलना तो शायद राशे की वजह से हो लेकिन उसकी टेक्निकल जो डिटेल है बहरहाल उन्होंने मुझे कुछ टेक्निकल डिटेल भी बताई शख्सियत का जो उनका एक मैं पहलू बयान करना चाहता हूँ हमारे दोस्त मुजफ्फर गफ़ार उन्होंने एक अदबी अंजमन बनाई थी मतलब पहले से पैसे खर्चते थे और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते थे अदब जब मैं मौसी आर्ट में बैर तो एक रोज़ मुझे कहने लगे कि मैं खान साहब फ़तेह अली ख़ान को बुलाना चाहता हूँ क्योंकि सबसे बड़े गायक हैं तो लेकिन वो पैसे बहुत मांग रहे हैं अब मेरा को मैंने को कॉन्सेप्ट तो करवाना नहीं है पंद्रह बीस तीस जो है पढ़े लिखे लोग जो इंटरेस्टेड है मौसीकी में या लिटरेचर में उनको बुलाना तो आपकी कुछ वाकफियत है मैंने कहा जी मेरी सलाम दुआ तो है चलते हैं देखते हैं बात करते हैं तो उन दिनों ख़ान साहब यहाँ एक स्कूल था मैं ना उसका नाम नहीं लेता मेन गुलबर्ग में, में। ज़रा पौश किस्म का स्कूल था वहाँ पर मौसीकी पढ़ाते तो वहाँ हम गए बाहर आ गए मुझे देख बड़े खुश हुए कि तार साहब आप यहाँ के मैंने कहा जी ये सिलसिला मेरे दोस्त हैं तो मेहरबानी कीजिए कि थोड़ा सी रियायत कर दें तो कहने लगे तार साहब आप आ गए हैं ना तो मुझ पे पैसे लेना हराम है आप जहाँ कहेंगे मैं गा दूँगा वो कहने लगे जी वो बिल्कुल पंद्रह बीस उन्होंने कहा जी आप कॉन्सर्ट भी करवाएंगे आप तार साहब को लेकर आए हैं मेरे ऊपर पैसे आराम ये देखें ऐसे लोग क्या आजकल आपको मिलेंगे आप अपने किसी भी पॉप स्टार को देख लीजिए वो तो एक गाना गाने से पहले रकम एडवांस ले लेते हैं तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये गुनी लोग थे ये बड़े लोग थे और ऐसे लोग दोबारा नहीं पैदा होने के वो ख़ास एक एटमॉसफियर था जिसमें उन्होंने जन्म लिया जिनमें रवादारी भी थी खलूस भी था और मतलब तो दूसरे के लिए क़ुरबानी देने का भी जज्बा था जो अब मफकूज हो गया चुनाचे वो आए और वाक़ी उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया मुजफ़्फ़र गफार ने अपनी ख़ुशी से जो तबला वगैरह के जो साजिंदे थे उनको को पैसे दे दिए अच्छा एक और वाक़ मैं खान साहब का सुनाता चलूँ कि रेडियो पाकिस्तान में एक सारंगी नवाज़ थे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ लेकिन सब लोग उनसे डरते थे इंतहा फ़िक्रेबाज शख्स था तो उनके फ़िक्रे मशहूर थे चनाचे एक रोज़ ख़ान साहब फ़तेह अली खान और आपने उनकी तस्वीरों में देखा होगा वीडियोज़ में देखा होगा आखिरी उम्र तक बाल जो थे बिल्कुल काले स्या करते थे बड़े घने बाल थे लेकिन बहुत काले स्या करते थे तो उस दिन शायद ताज़ा ताज़ा स्याह करके आए तो रेडियो में दाखिल हुए तो सारंगी नवाज ने देख कर कहा वाह वाह खान साहब आज तो खिजाब इलाही लगा के आ गए हैं आप अब <laughs> अजाब इलाही के साथ उनके काले वालों को खिज़ाब इलाही कहना मेरा ख्याल है कि ये वही लोग कह सकते थे तो खान साहब ने माइंड नहीं किया उन्होंने उसका नाम लेकर कहा कि मैंने तुम्हारी सरंगी तोड़ देनी हंस के कहा तो उन्होंने कहा जी मेरी सरंगी तो टूट भी जाए तो सुर में रहेगी लेकिन इन वालों के साथ आप सुर में नहीं आएंगे ये छोटा सा किस्सा खान साहब का लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं अमानत अली ख़ान के बग़ैर इनका तस्करा करूँ सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अमानत अली खान गुज़र गए और बहुत जल्दी चले गए नेशनल सेंटर में एक मुनकद हुई उनकी याद में तकरीब मैं भी शामिल था हालांकि मैंने कभी अली ख़ान के साथ कोई शो नहीं किया Uh, कभी मेरी उनके साथ दोस्ती नहीं रही सुबह सर सलाम दुआ कभी कभी लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा मद्दा चुनाचे मैं भी वहाँ पर शरीक हुआ को गुफ्तगु हुई नसरीन अंजम भट्टी ने एक नज़म सुनाई और मुनीर न्याजी ने एक नज़म सुनाई और उसमें मुझे अब तक याद है जो कॉन्सेप्ट था अमानत अली लिखा के चले जाने का वो ये था कि अभी अभी इस शाखते एक सुरीला परिंदा बहता था और वो चहका था और चला गया और शाख अभी तक गर्जिश में है तो एंड में फ़तेह अली ख़ान साहब ने अकेले पहले वो दोनों का गाया कब आओगे तुम आओगे मोरा तुम बिन जिया उदास रे वो थोड़ा सा गाया उसके बाद ढाई मार मार के रोने लगे जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि मुझे इत्तफाक नहीं हुआ अमानत अली ख़ान साहब के साथ कोई प्रोग्राम करने का लेकिन उस अहद में जितने भी गुलकार थे सबसे ज़्यादा पसंद मुझे अमानत अली खान और मैं मतलब जो क्लासिकल का रुझाऊ है और जो गजल का है गज़ल में भी वो बादशाह थे मैं किसी के साथ कंपेयर कंपेरिजन नहीं कर रहा और क्लासिकल में तो थे ही ये कम्बीनेशन और किसी में नहीं आया अब गज़ल में जब आप गाते थे तो अक्सर गुलक सुर और लय के चक्कर में जो लफ्स हैं उनको या मुखसर कर देते हैं या ज़रा धीमा कर देते हैं वो समझ में नहीं आता। आमान तरीका एक एक लफ्स मोती की तरह मौसम बदला रुत गदराई एहले जनू बेबाक हुए मुश्किल से मुश्किल भी चीज़ आप देखिए और वो एक, एक जो है ना मोती की तरह परोते चले जाते हैं ये गज़ल जहीर काश्मीरी की ख़वाज़रात बहुत सारे लोगों ने मिली नग़मे गाए अली ख़ान ने एक ऐसा नगमा गाया जो सब पे भारी है। और एक छोटा सा किस्सा है उसके हवाले से मैंने चौदह अगस्त योम आज़ादी के मौके पर एक स्पेशल प्ले लिखा उसका नाम था महक कवि साहब भी थे उसमें फिरदौस जमाल वगैरह वगैरह कमर अली शाह को प्रोड्यूस करने के लिए दिया दरमियाना सा प्ले था जिस तरह के मैं दरमियाना सा लिखने वाला हूँ कमर अली शाह की खूबसूरती ये थी कि वो डिटो स्क्रिप्ट पर अमल करते थे जो भी लिखा हुआ है ना उससे आगे पीछे नहीं होते थे सेट पे गए तो कहें भाई ये लिखा हुआ है कि सामने एक खिड़की है खिड़की कहा उन्होंने कहा यहाँ है उन्होंने कहा जी वहाँ क्यों है सीधी थी यहाँ क्यों नहीं तो मैंने उनसे एक गुजारिश की मैंने कहा इसके आखिर में फिर दोस्त आता वो किसान बना हुआ और जाहिर है कि उससे पहले बैकग्राउंड है मट्टी के साथ मोहब्बत का तो सूरज इधर से तलू हो रहा है और मट्टी वो हाथ में लेता है और यूँ मिट्टी जब उठाता है और मिट्टी उसके जो है मुट्ठी में से गिरनी शुरू होती है और पीछे सूरज है जब वो गिरने लगे तो आपने एन उस मोमेंट पे अमानत अली ख़ान का ए वतन प्यारे वतन पाक वतन ये ऑन कर दें। उसने एक्जैक्टली ऐसा ही किया खातिन हजरात मैं बता नहीं सकता कि उस प्ले का इम्पेक्ट कितना हुआ दर्जनों लोगों ने रोते हुए मुझे टेलीफोन किया और इसमें मेरा कुछ कमाल न था इसमें कमाल अमानत अली खान का था ए वतन प्यारे वतन पाक वतन